नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की धार्मिक वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग के आकार को लेकर। जी हां, शिवलिंग अंडाकार में ही क्यों है, क्या है इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण, आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आपको बताते हैं शिवलिंग के आकार को लेकर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता सृष्टि की सर्वशक्तिमान है। इन सब में भगवान शिव को सर्वशक्ति माना जाता है। यही वजह है कि सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति या तस्वीर रूप में की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग को पूजा जाता है। दरअसल भगवान शिव का कोई स्वरूप नहीं है, उन्हें निराकार माना जाता है। शिवलिंग के रूप में उनके इसी निराकार रूप की आराधना की जाती है। लिंगम शब्द, जी हाँ, पहले तो हम आपको शिवलिंग का अर्थ बताएंगे। दोस्तों, लिंगम शब्द लिया और गम्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ शुरुआत और अंत होता है। दरअसल माना जाता है कि शिव से ही ब्रह्मा प्रकट हुआ है और यह उन्हीं में मिल जाएगा। शिवलिंग में विराजे हैं तीनों देव। शिवलिंग में तीनों देवता का वास माना जाता है। शिवलिंग को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे निचला हिस्सा, जो नीचे टिका होता है, दूसरा बीच का हिस्सा और तीसरा शीर्ष, सबसे ऊपर, जिसकी पूजा की जाती है। निचला हिस्सा ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, मध्य भाग विष्णु जी, सृष्टि के पालनहार, और ऊपरी भाग भगवान शिव, सृष्टि के विनाशक है। अर्थात शिवलिंग के जरिए ही त्रिदेव की आराधना हो जाती है। तो वहीं अन्य मान्यता के अनुसार शिवलिंग का निचला हिस्सा स्त्री और ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतीक होता है। अर्थात इसमें शिव और शक्ति एक साथ में वास करते हैं। अब बात करते हैं शिवलिंग के आकार की, जी हाँ, जो अंडाकार में है। शिवलिंग के अंडाकार के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शिव ब्रह्मांड के निर्माण की जड़ है। अर्थात शिव ही वो बीज है जिससे पूरा संसार बना है, इसलिए शिवलिंग का आकार अंडे जैसा है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो बिग बॉग थ्योरिटी कहती है कि ब्रह्मांड का निर्माण अंडे जैसे छोटे कण से हुआ है। अर्थात शिवलिंग के आकार को इसी अंडे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी आज की इस खास वीडियो में आपको शिवलिंग के आकार को लेकर कि वो आखिरकार अंडाकार क्यों है, इसकी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से जो जानकारी हमने आपको दी है वो बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको शिवलिंग से जुड़ी ये तमाम जानकारियां पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही धार्मिक अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।